लॉकडाउन में जहां देश भर के सभी व्यापार व्यवसाय बंद पड़े थे तो वहीं शराब के ठेकों पर भी ताले लगे थे और हरियाणा में जिला सोनीपत के खरखोदा में चल रहा था शराब तस्करी का काला कारोबार, जिस पर बड़े खुलासे होने शुरू हुए और नाम आया कई बड़े लोगों का, जिसमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह को सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक पुलिस अधिकारी जसबीर सिंह को इस घोटाले में शामिल होने चलते उसे दबोचा गया। शराब घोटाले के 2 महीने के बाद सरकार द्वारा जांच के लिए गठित गई एसआईटी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज को रिपोर्ट सौंप दी। देखिए क्या कहा गृह मंत्री अनिल विज ने। मैंने समाचार पत्र में आज सुबह पढ़ा था, उसी वक्त मैंने एसपी पानीपत को वायरलेस मैसेज करवाया था कि 12 बजे तक मुझे सारी घटना की, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और लाठीचार्ज हुआ है, सारी रिपोर्ट मुझको मिल गई। रिपोर्ट मुझको मिल गई है और मैंने एसपी करनाल को 2 दिन के अंदर इसकी गहराई से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। जो जो दोषी होंगे सबको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। घोटाले पर बनी जो ऐसी की रिपोर्ट थी पीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम करेंगे। ये जो है ना आपकी भी रिपोर्ट आ गई तो अब हम इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।